धरती या उत्तराखंड की हो, माटी या मेरा पहाड़ की, गाँव की कुछ मंडा सजाने लगी गे, कुमड़ी गाँव की कुछ मंडा सजाने लगी गे, दीवार हरा सितंबर को कानो दिल आई माँ, दुश्मनों का बीच फंस। बेटा आप बहुत ही मीठा और मधुर गाते हैं, आखिर आपने किसको गाते हुए सुना है, किसके गीत आप ज्यादा सुनते हैं या आपके? आज है संडे का दिन तो बच्चे भी आ गए हैं मूसा ढोंग से आम लेने के लिए, क्योंकि आजकल आम पके हुए हैं। तो हाय बच्चों, कहाँ पढ़ते हो? देवधार में। और बच्चे देखते हैं मेरी वीडियो है ना? हाँ। आपने मेरे को कहाँ देखा था? अच्छा, तो नाम क्या है मेरा? जी धन्यवाद। तो अब ना आप एक गाना सुनाएंगे, ठीक है? है बेटा आपका? हमारी तो सालनी सुनाएगी। यहाँ पे एक सुंदर सा गढ़वाली गीत है। यहाँ पे ना स्कूल के बच्चे हैं, देवीधार स्कूल के बच्चे, और बच्चे मेरी वीडियो भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी सालनी बेटा बहुत ही अच्छा गाती है, तो ये सुनाएगी अभी आपको एक गढ़वाली गाना। तो चलो सुनाओ बेटा। धरती या उत्तराखंड की हो, माटी या मेरा पहाड़ की, कतगारो त्यवी अरे स्वाणी हसवाणी, कतगा पावन वर जानी, गंगा जमुना कुमेत ऊंच कैलाश जख, देवी देवता कुमेत कूटे यख, देवी देवता का थान शिव कूटे यख, मन की जब तो समान समान, कतगारो त्यवी अरे स्वाणी हसवाणी, कतगा पावन वर दानी। बहुत धन्यवाद शालिनी बेटा, बहुत अच्छा गाते हैं। आपके कंठ में सच में माँ सरस्वती का वास विराजमान है, और आगे जाके बहुत ही बड़ी सिंगर बनना, ठीक है? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बेटा आप बहुत ही सुंदर गाती हो, बहुत ही मधुर आवाज है आपकी, लगता है माँ सरस्वती का वास आपके कंठ में साक्षात विराजमान है। तो जब बड़ी हो जाओगी तो क्या बनना चाहोगी बेटा? सिंगर बनना चाहोगी? बहुत सुंदर। कमेंट में जरूर बताना आप सालनी बेटा का गाना भी सुनना, और उसके बाद उसकी आवाज़ पे जरा गौर करके बताना सालनी बेटा की सोच है अभी से कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो सिंगर बनूंगी। तो बहुत ही अच्छी सोच है, और लगता है बहुत ही जल्दी बन भी जाओगी, ठीक है बेटा? बहुत सुंदर गीत गाया प्यारे बच्चों ने यहाँ पे। तो माँ कुष्मंडा का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहे। सितंबर को कानो दिल आई माँ, दुश्मनों का बीच फंसियो माँ, केने नी बचायो माँ, 18 सितंबर को कानो दिल आई माँ, दुश्मनों का बीच फंसियो माँ, केने नी बचायो माँ, रोड़ो रोच लाड़ो रोमी केने नी सूड़ी माँ, रोड़ो रोच लाड़ो रोमी केने नी सूड़ी माँ, रेच लाटी मारिन मैन परे ते दयानी ए, रेच लाटी
काटी मारिन मेन परे त्वे दयानी ए हे मेरी कुल देवी दूर बेटी दिखणी रे हे मेरी कुल देवी दूर बेटी दिखणी रे रे चिलाटी मारिन मेन परे त्वे दयानी ए रे चिलाटी मारिन मेन परे त्वे दयानी ए। धन्यवाद बेटा, आप बहुत ही मीठा और मधुर गाते हैं। आखिर आपने किसको गाते हुए सुना है? किसके गीत आप ज्यादा सुनते हैं? या आपके घर में कौन गाता है? किस पे देख के आप मतलब गीत की शुरुआत की आपने? सबसे पहले मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था गाना। अच्छा, और फिर मैंने आपकी वीडियो भी देखी। अच्छा, मेरी वीडियो भी देखते हो? ठीक है, देखते रहना, बहुत अच्छा। तो शालिनी बेटा कहती है कि मेरी मम्मी भी गाती है घर में और मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ऐसी वीडियो देखते रहो और आप गाते रहो। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप एक दिन जब बड़ी हो जाओगी, बड़ी क्या अभी से भी आप गा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा गाती हैं। अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद शालिनी बेटा के साथ में रहेगा तो शालिनी बेटा बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में एक गीत के साथ आएगी। हो सकता है तो मैं भी गा सकती हूँ इसके साथ। ठीक है, तो ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। तो दोस्तों, अभी अभी शालिनी बेटा ने जो अपनी मधुर आवाज में इतना मार्मिक गीत सुनाया है, इसके लिए मैं शालिनी बेटा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों से भी आशा उम्मीद करती हूँ, आप इस उभरते हुए सितारे को, उगते हुए पौधे को अपना प्यार और आशीर्वाद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस बाल कलाकार शालिनी की आवाज़ कैसी लगी। मुझे तो आंखों में आंसू आ गए मेरे सुन करके, इतना अच्छा गाती है शालिनी बेटा। और ये पढ़ती है इंटर कॉलेज देवीधार में, जहाँ पे कि मैं भी अभिभावक संघ की अध्यक्षा हूँ और वे सातवीं कक्षा में पढ़ती है मेरे छोटे वाले बेटे के साथ, पीयूष के साथ। तो शालिनी रोड से जा रही थी, किसी काम के लिए आ रखी थी, तो उसने कहा आपका नाम आरती रावत है? जी हाँ, मैंने कहा। तो बोलती है कि मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ और घर पे मेरी मम्मी भी गाती है, तो मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ, तो यहीं से मैंने सीखा है। तो अगर इसको कोई गुरु मिल जाए ठीक ठाक तो बहुत अच्छा गा सकती है। और सबसे पहले आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए इस उगते हुए पौधे को आगे तक बढ़ाने के लिए। अगर आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं तो शालिनी बेटा एक दिन बहुत आगे जा सकती है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शालिनी के साथ अपना प्यार और आशीर्वाद दें। बहुत ही जल्दी शालिनी बेटा के साथ अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय देवभूमि उत्तराखंड।